भारतीय गाय है, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार गौ में वसते लक्ष्मी। संसार में एक ही प्राणी है जिसके गौ में, यानी गौ में कहा गया, उसको मल नहीं कहा गया, उसको पोटी नहीं कहा गया, गौ में वसते लक्ष्मी, जिसके गोबर में स्वयं लक्ष्मी का वास है, जिसके अंदर 16 कंटेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, इस तरह की सारी चीजें, कार्बन, आयरन, यूरिया, ये सब चीज भारतीय गाय के गोबर में, और गोबर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए गाय के गोबर के दिए का अपना एक महत्व है, इस महत्व को हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। संसार के अंदर जो हमारे वेद हैं उसमें लिखा है कि सबसे पवित्र कर्म यज्ञ कर्म है, और उस पवित्र यज्ञ जो होता है उसका जो वेश है, आधार है, वो भारतीय गाय का गोबर है, और गोबर की बनी हुई पाथियों को भी उसमें डालते हैं, गोबर का ही लेपन किया जाता है, उसके बाद संविदा वगैरह रखी जाती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय गाय का जो गोबर है वो अपने आप में एक अमृत है, बहुत सारी बीमारियों को वो दूर करता है। तो कुल मिला के जो देसी गाय का गोबर है उसके अंदर 23% ऑक्सीजन होती है, और जब गाय का गोबर सूखता है तो 28% ऑक्सीजन है, और जब जलता है तो 46.6% ऑक्सीजन है, और जब वो ठीक विद्युत रूप से उसकी राख तैयार हो जाती है तो उसमें 60% ऑक्सीजन है। तो देसी गाय का गोबर का दीपक, हम दीपावली आ रही है उस पर हम जलाते हैं तो घर के अंदर एक अच्छा वातावरण, एक पॉजिटिविटी, एक समृद्धि, सुख और लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी रहती है, ऐसा हमारा माना जाता है। और अब दीपक ऐसे भी आ गए हैं जो जल भी जाता है तो जल जाएगा तो कोई उसका नुकसान नहीं है, ऑक्सीजन देगा, और टेक्निकल दृष्टि से ऐसा तैयार किया जा रहा है कि गोबर नहीं भी जलेगा तो भी उसकी जो मात्रा है वो घी के और ज्योत के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उसकी ऑक्सीजन हमारे घर में रहेगी, हमें प्राप्त होगी। तो शुद्ध भारतीय गाय के गोमय से बने दीपक, लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये हम सबको इस बार दीपावली पे मिलने वाले हैं, तो हम प्रयास करें। दूसरा, जो मिट्टी के दीपक भी होते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि भाई नहीं भाई गोबर के दीपक जले, तो मिट्टी के दीपक को भी हम जला सकते हैं। हमारे छोटे छोटे जो उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करके काम करते हैं, उनका घर का गुजारा चलता है, तो वो गौ में से बना दीपक हो चाहे वो मिट्टी का दीपक, लेकिन हम तो देसी गौ माता के गोबर के दिए की चर्चा आप सबके साथ कर रहे हैं। तो उसको हम सब ध्यान में रखते हुए कि जो गोबर है वो मल शोधक है, वो बीमारियों को दूर करता है, वो ऑक्सीजन की मात्रा को हमें देता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी है, तो इस करके देसी गौ माता के गोबर के दिए इस बार दीपावली पे जलने चाहिए। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा अच्छा हम सबको संदेश दिया है, आत्मनिर्भर भारत, एज अ आत्मनिर्भर भारत जो है वो
इस चीज से खड़ा होगा। छोटे छोटे लोग इस चीज को अपनाएं, फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, समाज के लोग इस चीज को स्वीकार करें, तो छोटे छोटे उद्योग धंधे हमारे खड़े होंगे। तो कुल मिला के गोबर का दिया, उसके बनाने की विधि, गोबर के दिए को जलाना और खासतौर से दीपावली पे जलाना, उसका अपना एक महत्व है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम इस बार दीपावली पर गौ में से बने हुए दीपक अपने घर में लेके आए, उनके अंदर घी तेल डाल करके वो दीपक जलाएं और हम अपने भारत को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी भारत और एक देशभक्तिपूर्ण वातावरण हमारे यहाँ खड़ा हो, ऐसा विचार लेकर के आज देश भर के अंदर जो गौ पालन कर रहे हैं, गौ संवर्धन कर रहे हैं, गौ पालन गौशालाएं जो चल रही हैं, उनके माध्यम से हम गोबर के द्वारा दीपक बना करके मार्केट में उतारें, अच्छी मात्रा में हम लोग उनको रेस्पॉन्स दें, तो एक हमारी गौ की रक्षा भी होगी, गौ की सेवा भी होगी, गौ का संवर्धन भी होगा, गौ पालन भी होगा और इसके साथ ही हमारा देश बचेगा। सबसे बड़ी बात, स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत। तो क्या हम भारत, ऐसा हमारा ये खड़े होने वाला है। इसलिए हम सब देसी गाय के दिए दीपक को अपने घर में जलाएं, उसके हम प्रचार प्रसार करें, इतना आप सबसे निवेदन। और कोई बात पूछनी हो तो बताइए। अच्छा चंद्रकांत जी, क्या हम इन गोबर के दियों को रोजाना घर में अपने जला सकते हैं क्या? हाँ, वो ऐसा दीपक भी आ गया है जो एक साल तक एक ही दीपक को हम यूज कर सकते हैं, दो साल तक भी कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा अगर पानी नहीं पड़ेगा तो, और वो दीपक भी जलेगा नहीं। ऐसे दीपक भी हैं, हम रोज यूज कर सकते हैं उसे। घर के अंदर देसी गौ माता का गोबर रहेगा, यही बहुत बड़ी बात है। जब गाय का गोबर जलता है तो सांस को दिक्कत नहीं आती, बल्कि हमारा अस्थमा तक ठीक होता है, इससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। संसार में एक ही चीज तो है जो सबसे ज्यादा शुद्ध है, देसी गौ माता का गोबर। उसके अंदर तो बहुत सारे कंटेंट है जो अंदर की बीमारियों को दूर करते हैं, जीवाणु कीटाणुओं को वो समाप्त करेंगे अगर धुआं हमारे अंदर जाएगा तो।